नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष बदरपुर विधानसभा और उपाध्यक्ष, जिनका नाम है आपका राम नारायण शास्त्री जी और सुखबीर राठौर जी। इनसे हम बात करेंगे हिंदुत्व को लेके, राम मंदिर को लेके और गो हत्या को लेके। सर, आपका हुंकार 24/7 में स्वागत है। नमस्कार जी। सर, अगर बात करें बदरपुर विधानसभा की, आपको बागडोर दी गई है हिंदू युवा वाहिनी से, आपको उपाध्यक्ष बनाया गया है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तो कब से आप इस संगठन में जुड़े हैं और आपका अब तक जो आप यहाँ पे जुड़ा हुआ है पार्टी में, अब तक आपने संगठन के लिए क्या क्या काम किए हैं उसके बारे में ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। देखो जी, जहाँ तक बात है इस संगठन से जुड़ाव की, पिछले 6 महीने से मैं संगठन सक्रिय हूँ और इससे पहले मैं RSS में भी अपना योगदान दे चुका हूँ, सहयोग दे चुका हूँ। इस क्षेत्र की समस्या या इस क्षेत्र की बात अगर करी जाए तो सबसे पहले बता दूँ, मैं हिंदू युवा वाहिनी कोई सिर्फ हिंदुओं के लिए ही सीमित नहीं है, इसमें सामाजिक संगठन की बात आती है। कोई भी समाज में ऐसा व्यक्ति जो समाज के खिलाफ काम करने की कोशिश करता है या जो समाज तत्वों के खिलाफ उसको सपोर्ट करता है, उसके खिलाफ मेरी हिंदू युवा वाहिनी खड़ी होती है। दूसरी बात यह है कि हिंदू युवा वाहिनी, जिसके संरक्षक श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं और हम सब उनके छत्र छाया में काम करने वाले लोग हैं। जहाँ तक बात रही इस क्षेत्र के संगठन में हमने क्या क्या काम किया है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे क्षेत्र में जो भी लोग, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, कि जो भी लोग सामाजिक तत्व को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, समाज को बिखराव करने की कोशिश करते हैं, फिर वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी भी संगठन का आदमी हो, हम सब हिंदू वाणी के लोग मिलके उसका विरोध करते हैं। तन मन धन जैसे भी होगा उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं, रोकते भी हैं। राम नारायण शास्त्री जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा, आपको बदरपुर विधानसभा का जो है अध्यक्ष बनाया गया है हिंदू युवा वाहिनी का, तो आपकी जो ये संगठन है बदरपुर के अलावा पूरी अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में किस लेवल पे काम कर रही है, तो इसके बारे में ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। हमारी हिंदू युवा वाहिनी दिल्ली लेवल पर बहुत बढ़ चढ़ करके काम कर रही है। जैसे पिछले कुछ महीने पहले हमारे झंडे वालन में गौ मांस मतलब पकड़ा गया था, तो हमारे हिंदू आईनी के कार्यकर्ताओं ने उस गाड़ी का पीछा किया और उस गाड़ी को पकड़ा और उस गाड़ी को पुलिस के हवाले किया और उस पर पूरा एक्शन लिया। इसके अलावा भी अगर किसी भी समाज के लोगों को अगर कहीं सताया जाता है तो हाँ, हमारे हिंदू आईनी के कार्यकर्ता सभी जाकर के एकजुट होकर के उस कार्य को संपन्न करते हैं और उसका बचाव करते हैं उस व्यक्ति का। उसके बाद भी अभी हमारे पीछे कुछ महीने पहले दिवाली का पर्व आया था, दिवाली के पर्व पर हमारे हिंदू वाहिनियों ने वहाँ पर शहीदों के लिए दीपक प्रज्वलित किए थे और शहीदों के लिए कामना की कि कभी भी शहीदों पर ऐसा कोई संकट ना आए जिससे उनको शहीद होना पड़े, और सभी हिंदू वाहिनी के लोगों ने वहाँ पर दीप जला करके उनकी लंबी उम्र की कामनाएं की। अगर बात किया जाए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो दिल्ली प्रदेश में आज की डेट में ऐसा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कोई भी सभी राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आती है, महिला सुरक्षा का वादा करती हैं, लेकिन सत्ता मिलने के बाद वो अपने वादे भूल जाती है और महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा, कोई कदम उन्होंने नहीं उठाया। तो आपका संगठन महिलाओं के लिए क्या काम कर रहा है सुरक्षा के लिए? हिंदू वाहिनी महिलाओं के लिए संगठन का पूरा रूप से कार्य करती है। ऐसे कई मतलब सामने ऐसी समस्याएं आईं जिस पर मतलब महिलाओं को मतलब ताड़ना दी जाती है या उनको दहेज के प्रति सताया जाता है या उनके तरफ कोई गलत उंगली उठाता है, तो अगर हमारे हिंदू वाहिनी के लोगों को मालूम पड़ता है तो हमारे हिंदू वाहिनी के लोग वहां जा कर के उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं और उसको दंडित भी करते हैं, और इस कदम के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा पूरा देश का मुद्दा है, राम मंदिर जी, काफ़ी समय से उस पर सुनवाई चल रही है लेकिन फैसला अभी तक नहीं आया, फैसला चल ही रहा है। सभी पार्टियां बारी बारी करके सत्ता में आई, बीजेपी 2014 में सत्ता में आई, राम मंदिर का मुद्दा लेके आई, ये भी कहा बीजेपी ने जिस दिन केंद्र में राज्य में हमारी सरकार होगी हम मंदिर का निर्माण करवा देंगे। अब केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, उसके बावजूद मंदिर निर्माण कराने में ये लोग असमर्थ साबित हो रहे हैं। आखिर क्या राम मंदिर एक राजनीतिक मुद्दा ही बन के रहेगा, क्या कभी राम मंदिर के ऊपर कोई काम भी होगा?
देखिए जी, इस बात के तो मैं खिलाफ़ हूँ। हमारे वैसे मैं बीजेपी का समर्थन हूँ, मैं भी बीजेपी को वोट देता हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ तक अगर मुद्दा है तो हमारे जो भी जनता है हमारे प्रदेश की, हमारे भारत देश की जो जनता है, उसके प्रति खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे जो मंदिर नहीं बन रहा तो मंदिर बनना चाहिए। अगर ये बीजेपी अभी मंदिर अगर नहीं बना पाएगी तो कभी मंदिर नहीं बना पाएगी, क्योंकि यूपी में भी हमारे योगी आदित्यनाथ बड़े उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं, उनका काम बहुत बढ़िया है। और केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हमारी सब ये आस्था है कि मंदिर बनना चाहिए। और ये मंदिर बीजेपी नहीं बना रही है, ये वास्तव में बात सत्य है। ये अगर बीजेपी चाहे तो मंदिर बन सकता है, क्योंकि ये सभी देशवासियों के हित की बात है। और अब मंदिर अगर नहीं बनेगा तो कभी नहीं मंदिर बनेगा। तो हमारी आस्था यही है कि मंदिर बनना चाहिए, जिससे सभी हिंदुओं की आस्था उसमें जुड़ी रहे और सभी अपने प्रेम भाव से रहें, मतलब किसी प्रकार का कोई भी विध्वंस न हो किसी पक्ष के प्रति। राठौर सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा, योगी आदित्यनाथ जो एक योगी नाम है जिसके आगे एक हिंदुत्व नाम जुड़ जाता है, हिंदुत्व लोगों की उनसे एक आस्था है, इसलिए पहले वो सांसद रहे, अब मुख्यमंत्री हैं यूपी के, तो उन्होंने जो आपके हिंदू युवा वाहिनी की जो नींव रखी है, जो उन्होंने ये संगठन चालू किया है, तो इसके ऊपर वो क्या काम कर रहे हैं और किस लेवल पर काम कर रहे हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए। हमारे महाराज जी ने हिंदू युवा वाहिनी को न सिर्फ एक क्षेत्रीय स्तर पर समेट कर रखा हुआ है, उसको राष्ट्रीय लेवल पर लेके गए हैं वे। और उन्होंने सिर्फ, जैसे बता चुका हूँ पहले भी, कि इतने के लिए काम नहीं करा कि वो हिंदू संगठन है, हिंदू वाहिनी तो हिंदुओं के लिए ही कर रहे हैं। वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि समाज में कहीं भी कोई भी तरह से अगर कोई, हाँ ये बात सच है, हिंदुओं के खिलाफ कोई बोलेगा, कुछ आवाज़ उठाएगा, तो उसको दबाने की पूरी कोशिश करते हैं, वो करते भी हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, जैसे कि पहले बता चुके आपकी, वो सांसद रह चुके, अभी सीएम हैं, उनके जो सीएम बनने से पहले भी और आज भी कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है, वो बाकायदा वैसे ही काम करें जैसे अभी कर रहे हैं। उन्होंने जो वादे किए थे उन पर पूरी तरह से वो खड़े उतर रहे हैं। हर चीज़ को वो ना सिर्फ हिंदू की नज़र से देखते हैं, वो सोचते हैं कि सांप्रदायिकता जो भी है समाज के अंदर, देश के अंदर, वो बनी रहे, सद्भावना बनी रहे, और यही उनकी हमेशा कामना रहती है। राठौर साहब, कहीं ना कहीं आप लोगों का भाजपा से कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा है। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी के पहले सांसद रहे, अब मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और हिंदू युवा वाहिनी उनका एक संगठन है। कहीं ना कहीं यह माना जा सकता है कि हिंदू युवा वाहिनी का भाजपा से कहीं ना कहीं कोई ना कोई जोड़ है। तो केंद्र में आप बैठे हुए हो, राज्य में आप बैठे हुए यूपी में, उसके बावजूद मंदिर नहीं बनवा पा रहे हो, तो इसके ऊपर का क्या कहना आपका? मंदिर नहीं बनवा पा रहे ऐसा कहना गलत हो जाएगा। मंदिर एक किसी पार्टी विशेष का काम नहीं है, मंदिर जो है वो एक धार्मिक और संस्था आस्था जुड़ा हुआ काम है। जैसे अब आपको पता होगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट लंबित कर दिया गया है, वो जो कांग्रेस वाले हैं, जो अपोजिशन वाले हैं, उन्होंने उस मामला को दबाने की कोशिश करी है ताकि उसको चुनाव के आगे तक लेके जाया जाए और किसी तरीके से भाजपा को उसका नुकसान पहुंचाया जाए। भाजपा वाले जो हमारी बीजेपी पार्टी के नेतृत्व में शीर्ष नेतृत्व बैठे हुए हैं, वो आज भी उसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम मंदिर बनाएंगे और बना के रहेंगे। लेकिन अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई भी नेता नहीं हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, मंदिर बिल्कुल बनेगा, बन के रहेगा। राठौर साहब, राज्यसभा में और लोकसभा में समर्थन आपके पास है, आप चाहे तो एक अध्यादेश ला के, एक कानून बना के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवा सकते हैं। फिर क्या कमी रही है, क्या प्रॉब्लम रही है कि आप लोग ये काम कराने में असमर्थ साबित हो रहे हैं? अभी तक हम लोगों की कोशिश ये थी कि मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, और ये नवंबर दिसंबर में फैसला आ जाएगा, मंदिर निर्माण हो जाएगा, इसलिए कोई भी ज़्यादा उस पर एक्शन रिएक्शन नहीं करा गया। अब क्योंकि अब ये मालूम पड़ रहा है कि मंदिर का निर्माण लेट होता जा रहा है, उसको लंबित किया जा रहा है, तो आपको याद होगा 25 नवंबर अयोध्या में जो संसद धर्म हुआ था समाज संतों का, उसमें साफ साफ बोला गया था कि मोदी जी के बाद के जो नेता का जो नंबर आता है, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमारे नेता ने बोल दिया है कि 25 नवंबर की जो घोषणा हुई थी उसमें 12 दिसंबर से लेकर के और 11 जनवरी के बीच में एक फैसला आएगा जिसमें मंदिर निर्माण की बात कही जाएगी। मंदिर निर्माण के सब पूरे तरीके से हम लोग प्रतिबद्ध हैं और बना के ही रहेंगे, उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। राठौर साहब, अगर बात करें गो हत्या की,
तो आए दिन गौ हत्या आ रही है और सरकार उस पर अंकुश लगाने में नाकामयाब हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्या कहा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें नाकाम साबित नहीं हो रही है? देखो जी, घर में विभीषण होता है एक, आपको पता होगा इस कहानी, तो विभीषण ही समाज में ही पैदा हो जाते हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी ये नहीं चाहता है कि समाज में हिंसा बढ़के, कोई हिंसा बढ़केगी तो खून खराब होता है, दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं। तो उनका मतलब इतना नहीं है, मतलब इतना है कि जो हमारी सरकार है, हमारा जो प्रशासन है, भरपूर कोशिश करते हैं कि हिंसा वाले काम, लिंचिंग वाले काम ना हो, लेकिन समाज में से एक ऐसा बंदा निकल के आ जाता है, ऐसा व्यक्ति निकल के आ जाता है, वो कहता है कि भाई हमें तो समाज के खिलाफ खड़ा होना है, समाज को भड़काना है। और ये गौ हत्या जो है, ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है हमारे सर पर उसमें समाज में कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। और बहुत चीज़ें हैं जो लोग मांस मात्रा खाते हैं, उन्हें खाइए, आप गौ के चक्कर में क्यों पड़े रहते हैं? इसीलिए ये जो गौ हत्या करते हैं, कहीं ना कहीं समाज में उसका नेगेटिव मैसेज जाता है और वो मैसेज ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर हिंसा भड़क जाती है। हिंसा के सपोर्ट हम कभी नहीं करते, कहीं भी हिंसा होनी चाहिए, चाहे वो आपका अभी जो कल हुआ है बुलंदशहर में, ये भी हम इसकी निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए। और कहीं भी हिंसा की सपोर्ट हमारी ना हिंदू वाहिनी है ना बीजेपी है। एक तरफ तो हम गाय को माता का दर्जा देते हैं और उनको पूजते हैं, और दूसरी तरफ उनको यूं ही लावारिसों की तरह छोड़ देते हैं कूड़े कचरे के पास, तो इससे वो बीमार होती है, यहाँ तक कि वो मर भी जाती हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखो, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति गाय को पालने में, उसका रखरखाव करने में सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। और जो शाम को गाय को बांध के दूध निकाल देते, रात को घर में रख के सुबह फिर खोल देते खूंटे से, और वो बाहर जाके वो पन्नी या जो भी चीज़ें हैं, गंदी चीज़ें खाती है, और शाम तक वो वेट करते हैं कि हमारी गाय फिर से आएगी, शाम को बांध के फिर दूध निकाल, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए। दूसरी बात रही हमारी MCD की, MCD वालों का भी इसमें कसूर है। रोड पे उन्होंने कोई कूड़ा घर नहीं बना रखा, किसी जगह पर रोड पे कूड़ा पड़ता है, उस कूड़े को हमारी गाय माता खाती है, गाय खा के बीमार पड़ जाती है। तो अगर देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में कहीं गौशाला नहीं है, एक गौशाले की हम डिमांड करते हैं, हमारे क्षेत्र में गौशाला होना चाहिए। और जो लोग गाय को सिर्फ एक बिजनेस का अड्डा समझते हैं, गाय को ले लिया, उसको पाल के दूध निकाल, शाम को सुबह छोड़ दिया खूंटे से बांध निकाल के, और वो रात में दिन में क्या करती है, उसको कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके लिए गाय पालने का उनका कोई अधिकार नहीं है। 10 साल मनमोहन सरकार रही और उसके बाद 5 साल आपके मोदी सरकार, तो कहीं ना कहीं आतंकवाद को आप किस नज़र से देखते हैं इनमें 10 साल में और 5 साल में? देखो जी, इस बात से कोई भी वाकिफ नहीं होगा, देश का कोई भी नागरिक, देश का दुनिया में आज जो चर्चा है वो मोदी जी की चर्चा है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को कोई भी इस नज़र से नहीं देखता था कि वो एक प्रधानमंत्री हैं, वो तो कहते हैं स्टैचू हैं जी, इनको कोई मतलब नहीं है, गूंगा प्रधानमंत्री कह सकते, गूंगा आदमी था, उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब बात रही हमारे 5 साल पूरे होने वाले मोदी जी की सरकार में, आपको खुद कंफर्म हो जाएगा कि आप देख सकते हैं आज के टाइम में जो आतंकवादी हमारे देश की सीमा को छूते ही वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। पहले क्या होता था कि आतंकवादी आता है जी, दिल्ली में घुस गया या किसी बड़े शहर में घुस गया, उसने 10-12 लोग हमारे 20 लोग मारे और वो भाग जाता था। आज ठीक उसका उल्टा हो चुका है, आतंकवादी हमारे बॉर्डर पर आता है, हमारी सेना उसको वहीं ढेर कर देती है, नागरिक हमारा सुरक्षित है मोदी जी की सरकार में, इससे बड़ा और आपको क्या चाहिए? ये बहुत बड़ी बात है। जो ताज ओबराय होटल मुंबई में हमला हुआ था, उस टाइम सरकार कांग्रेस की थी, वो उनके पालतू आतंकवादी होते थे, उनके कहने पर सारे काम होते थे। आज हमारे देश में उस तरह का एक भी कोई केस नहीं हुआ है कि जिस तरह से देश को कोई आतंकवादी आके हिला गया हो। अभी पिछले हफ्ते ही आतंकवादियों की सूची जारी हुई थी कि पंजाब में पठानकोट में आतंकवादी देखे गए हैं, 7 लोगों की लिस्ट जारी करी गई थी। 2 लोगों को मारे जाने के छोड़ के, जो निरंकारी बम पर हमला हुआ था उसको छोड़ के, बाकी कहीं भी आतंकवादी अपना काम नहीं कर पाए, बल्कि उनका उल्टा काम तमाम हो गया है, वो लोग अरेस्ट होकर आज जेल बंद कर दिए गए हैं। राम नारायण शास्त्री जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा, पहले नोटबंदी, फिर GST, उसके बाद सेलिंग, कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा गरीब मजदूर तबके के लोगों को या व्यापारियों को दिल्ली से भगाने की बात, कहीं ना कहीं इनका माइंड में ये चल रहा है, क्या हिसाब किताब बताएंगे आप जरा?
देखिए जी, जो नोटबंदी है तो नोटबंदी से वही लोग, गरीबों के पास तो इतना पैसा नहीं है, जो पैसे बड़े लोगों के पास, पूंजीपतियों के पास पैसा था, वही लोग दुखी हुए हैं जिनके पास में ब्लैक मनी थी। और ब्लैक मनी वाले ही लोग, और ब्लैक मनी किसके पास में थी, वो कांग्रेस के पास में थी। अधिक से अधिक कांग्रेस के जो नेता हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं कि नोटबंदी से मोदी सरकार ने परेशान किया है। मोदी सरकार ने कोई परेशान नहीं किया है, जिन लोगों के पास ब्लैक मनी पड़ी हुई थी वो ब्लैक मनी बाहर निकल आई, और मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। रही बात GST की, विभिन्न प्रकार के टैक्स दिए जाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि सारे टैक्सों को हटा करके एक टैक्स भरना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा काम मोदी सरकार ने किया है। उसके बाद में भी पहले गरीब आदमी को लाइन में लगना पड़ता था, कहीं राशन कार्ड बनवाने के लिए जाना है वहाँ लाइन में लगना है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है तो वहाँ लाइन में लगना पड़ता था। अब मोदी, हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा किया है कि सारे काम ऑनलाइन कर दिए। जो भी भर्तियाँ होती थी वो पहले फार्म डाल देते थे, और बार बार हमारे स्टूडेंट उसमें पैसा खर्च करते रहते थे और वो फार्म नहीं पहुँच पाता था। अब मोदी सरकार जब से आई है तब से सारे फार्म ऑनलाइन हो गए हैं, और उसमें कोई भी धोखाधड़ी नहीं होती है, और वो व्यक्ति न किसी प्रकार की धोखाधड़ी कर सकता है। तो हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छी सरकार चलाई है, और हमको आगे भी ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जैसे हमारे मोदी जी हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो 3 साल PDP के साथ सरकार चलाने के बाद आखिर BJP की, भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको अपना समर्थन वापस लेना पड़ गया, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखो, PDP की जो चीफ थी वैभव मुफ्ती जी ने अपना वहाँ पर सोचा था कि जो आतंकवादी हैं उनको हम पालें, वो हमारी BJP कभी सपोर्ट नहीं करती कि आतंकवादियों को पाल के वो और देश में कोई भी हिंसा करवाएं। इसलिए PDP को हमारी BJP ने अलग किया था कि अगर आप आतंकवाद का साथ देंगे तो आप देश के द्रोही हैं, और देश के द्रोही चाहे भी फिर वो कोई भी हो, देश के द्रोही के साथ हमारी पार्टी समझौता नहीं करती है, चाहे सरकार रहे या चली जाए। हमारी सबसे पहले फर्स्ट देश है, उसके बाद अलायंस है। चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल, आखिरकार बुलंदशहर का हिंसा का जिम्मेदार किसको मानेंगे, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बुलंदशहर का हिंसा का जिम्मेदार ऐसे तो पर्टिकुलर किसी का आप नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि बुलंदशहर की जो हिंसा हुई है उसमें गाय काटी ही क्यों गई, मैं तो ये कहूँ गाय काटी क्यों गई, ये गाय काटने गलत है। अरे आपको फिर बता रहा हूँ, गाय नहीं काटनी चाहिए, गाय हमारी माता है, हमारी पूजनीय है, हम उसकी रक्षा करने के लिए हर पल तैयार हैं, और आपको कुछ भी खाना है उसके खिलाफ़ बहुत चीज़ें पड़ी उन्हें आप खाइए जाके, क्यों नहीं खाते हो आप गाय के पीछे क्यों पड़े हो, हम गाय के ही काट के खाएंगे। अब गायक देखो, किसी के अगर भावनाओं को आप ठेस पहुंचाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आपको सपोर्ट करता रहे, ठीक है जी कोई बात नहीं, आप अपनी आँखें बंद कर लेगा, वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। उसमें हमारे प्रशासन की ढिलाई रहती है। अभी 3-4 दिन पहले हमारे मोरबंद से एक वीडियो आई थी हमारे हिंदू वाहिनी में, कुछ डालीकेशन ग्रुप में, गाय बीमार पड़ी है रोड पर, वो कह रहे हैं जी पुलिस वाले PCR को, जी भैया हमारी गाय बीमार पड़ी है इसके लिए एम्बुलेंस बुला दो, तो वो कहते हैं जी हम क्या करें। जब उसने वीडियो बनाई बंदे ने, वीडियो बना के डालने की जब बात की तब जाके वो उन्होंने एम्बुलेंस के लिए प्रबंध किया है। तो प्रशासन भी इसमें जिम्मेदार है, ऐसी बात नहीं, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। थैंक यू जी धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, हमने सुखबीर राठौर जी से और राम नारायण शास्त्री जी से जो है राम मंदिर को लेके बात करी, गौ हत्या को लेके बात करी, तो इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, और 2019 का जो चुनाव है, चुनाव से पहले राम मंदिर का निर्माण सरकार के द्वारा करा दिया जाएगा। फिलहाल आप बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।